हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके क्वार्टरली एग्जाम आने वाले हैं एग्जाम, तो ऐसे में क्या है कि आप सभी लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि उन्हें सीधे पेपर ही चाहिए। तो आप लोग भी क्या अधिकतर जो स्टूडेंट होंगे थंबनेल देखकर ही आ रहे होंगे कि पेपर वायरल हो गया। स्टूडेंट ऐसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन इस वीडियो में आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके जो क्वार्टरली एग्जाम में लिए जाएंगे। आपको पता है क्लास 10 मैथ में 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो 32 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे उसमें से मैं गारंटी दे रहा हूँ, 100% मेरी गारंटी है, 30 ऑब्जेक्टिव आपके वही आएंगे। अब देखिए, पहले मैं बता दूँ पेपर वायरल नहीं होता, पहले लीक नहीं होता है। अगर आप पेपर चक्कर में हैं तो आप भूल जाइए। इसलिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोगों की थोड़ी बहुत मदद हो सके, क्योंकि इस साल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई है। अब आप सोच रहे हैं कि भाई हम आप पर ट्रस्ट कैसे करें, आप जो देंगे वही आएंगे कि नहीं आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, जिन लोगों को ट्रस्ट करना वो कर सकते हैं, नहीं करना तो कोई बात नहीं, अदर चैनल पर जा सकते हैं। बिल्कुल फेक चल रहा है, बिल्कुल वायरल चल रहा है फिर ना। पहले मैं बता दूं, थोड़ा इंट्रो दे दूं मेरे बारे में। तो मेरा नाम गौरव है और मैंने 10th में 94% गेन किए थे और मैथ में मेरे 94 नंबर थे, ठीक है। और 2019 में मैंने पास किए थे। ऐसा नहीं कि मैंने लॉकडाउन जो चल रहा है कोरोना उसके चलते मैं निकल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ट्रस्टेड क्वेश्चन बताऊंगा, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ट्रस्ट है तो कमेंट करें। मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा, आपके 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इनमें से मैं आपको दो पार्ट में कवर कराऊंगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अधिकतर वही रिपीटेड होते हैं, लेकिन कुछ क्वार्टर आपको पिछले साल के 2 साल से तो हुए ही नहीं है। अगर आप 2019 का क्वार्टरली एग्जाम देखेंगे पेपर है, तो उसमें आपको पेपर जरूर देखना है प्रीवियस ईयर के, अन्यथा आप गलती कर देंगे। और मेन बात है कि इस साल आपका हो सकता है कि क्वार्टरली एग्जाम हो, हाफयरली एग्जाम हो, जो प्री बोर्ड होगा है ना, उसके क्या अंक आपको बोर्ड एग्जाम में जोड़े जा सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर बाई चांस मान लीजिए मार्च में जब भी आपके बोर्ड एग्जाम हो, अगर कोरोना चलता है तो पेपर ही ना हो, तो आप इन्हीं के अंक दिए जाएंगे। तो आप किसी पर ज़्यादा ट्रस्ट ना करें, वैसे तो जा हो सके तो आप अपनी तैयारी पूरी रखें, लेकिन फिर भी मैं मेरी तरफ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा क्लास 10 मैथ की। अगर आप और सब्जेक्ट के बोलेंगे तो वह भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो गारंटेड मैं बोल रहा हूँ आप 32 अंक में से 30 अंक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त है कि आपको ये पूरी वीडियो देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 2 मिनट देख लें, क्योंकि देखिए मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा, मान लीजिए आपके 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मैथ में। अब होता है क्या कि एक दो क्वेश्चन आपको जो एग्जामिनर रहेगा वो घुमा फिरा के पूछ लेगा। तो मैं जो वीडियो में फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ किस टाइप से कौन से क्वेश्चन बनेगा और ये किस प्रकार से बन रहा है, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जल्दबाजी में होंगे। अगर आपको पेपर का चाहिए पेपर, तो पेपर तो नहीं मिलता है, ठीक है, डायरेक्ट आप चाहें तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव पार्ट, और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 बनाऊंगा मैं, है ना। इसमें अध्याय 1 से 4 तक मैंने मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे इंक्लूड किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि और पार्ट 2 आए बहुत जल्द, तो आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय देनी होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से आपके मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं अध्याय 1 से 4 तक के लिए। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, बस आपको समझाना बाकी रह गया है। तो मैंने अभी इस वीडियो में आपको 1 से 4 अध्याय तक जितने भी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं वह बता रहा हूँ उस वीडियो में, ओके। और आपके लिए एक और एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूँ, अगर आप ये क्वार्टरली एग्जाम में करते हैं वो तो है ही इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ यही आपको हाफ ईयरली में इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्री बोर्ड में भी यही रहेंगे, और साथ ही साथ फाइनल एग्जाम में भी आपके यही आएंगे ना। तो आपके एक ही साथ इतने सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे, तो इनको अच्छी तरीके से पढ़कर जाएं, ओके। चलिए स्टूडेंट, पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या, इससे हमने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिए हैं। अब आपको बताना रहेगा आपको जो एग्जामिनर रहेगा वो किस प्रकार से पूछता है और किस प्रकार पूछ सकता है। देखिए पहला यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। देखिए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपको सीधे a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होती है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। आपको इसकी कथन भी पूछ सकता है, तो आपको कथन याद रख लेना, एक क्वेश्चन ये बनता है। और फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय एक अंक में तो आपको ये लिख देना है, कथन पूछे तो ये लिख देना है, ओके। कथन में क्या लिखना है, जो आपने पढ़ा होगा कथन है ना, वही लिखना है। और इसकी कुछ सीमाएं भी रहती हैं जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है कब होता है ना, तो आप पढ़ लीजिएगा। जो अगर आप चाहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, तो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है आपकी पेज नंबर 4 पर एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगी, ओके। चलिए दूसरा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए। इसके साथ पहले दूसरा देख लेते हैं, ये किस प्रकार से पूछता है स्टूडेंट। ये 2019 में पूछा गया था हाफ ईयरली में, हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि अब आपके अंक क्वार्टरली एग्जाम के जुड़ने वाले हैं। सभी के लिंक आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी पेपर की, तो आप पहले वो ये देखने के बाद वह सॉल्व जरूर कीजिए, क्योंकि उस प्रीवियस ईयर से मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 60-70% वही पूछा जाता है सिलेबस में, ओके, जो आपका अभी पेपर होने वाला है। तो प्रमेय का क्या है, एक सिद्ध किया हुआ कथन है। अब आपको ये खाली स्थान पूछ देगा कि एक सिद्ध किया हुआ कथन क्या है, यहाँ पर लिख देगा प्रमेय, है ना, और यहाँ आप ऑन इधर एक कथन लिख देगा, तो आपको यहाँ पर क्या प्रमेय लिख देना है, प्रमेय, ठीक है। और सत्य सत्य में कैसे पूछेगा कि प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन है सत्य और असत्य, तो आपको यहाँ पर सत्य असत दिया होगा, तो फिर आप क्या करेंगे, सत्य कर देंगे, ओके, सत्य कर देंगे। तो इस प्रकार लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन। अब स्टूडेंट आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक से एक 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर भी मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ही पूछा जाता है अधिकतर, लेकिन आपको और भी संख्याओं का आना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये 96 और 404 का ही आ जाए, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि 2019 के फाइनल एग्जाम पूछा गया था, हाफ ईयरली में पूछा गया था और ये आपके प्री बोर्ड में पूछा गया था। अब ऐसा है कि इससे हमें एक अंदाजा लग रहा है कि HCF और LCM से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर मान लीजिए मैं आपको 15-13 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछूं तो आप निकाल सकते हैं कितना होगा, एक होगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट। तो ये आपको अच्छी तरीके से कर लेना है कि गणितज्ञ का राजकुमार किसे कहा जाता है, ओके, तो ये क्या कौन को कहा जाता है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है, ये पूछ सकता है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM × HCF, ओके, तो आपको अच्छी तरीके से पढ़कर जाना है इस फॉर्मूले को। आपको क्या लिख देगा, दो संख्या का गुणनफल खाली स्थान, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, LCM × HCF, ओके। जिस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं भैया मैं आप पर सभी बता रहा हूँ, और ये बता दूँ जो आपका रिड्यूस सिलेबस किया गया है उसमें से मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं लिया है, वरना अपरिमित संख्या वहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी बनता है और बहुत सारे एक यहाँ पर अशांत शांत जो प्रसार होते हैं उससे भी बनता है, लेकिन चूंकि वो सिलेबस से आपके हटा दिया गया है इसलिए मैंने वहाँ से नहीं लिए, ओके। चलिए स्टूडेंट ये आपका पार्ट वन है, ध्यान रखना। चलिए अब इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट बहुपद पॉलिनोमियल, इससे आपके कितने। डियर स्टूडेंट, स्टडी करते समय किसी क्वेश्चन को लेकर आपके मन में कोई डाउट आता है तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलो ऐप आपके लिए बहुत ही शानदार फीचर लेकर आ चुका है। इस फीचर के माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का डाउट आसानी से क्लियर कर सकते हैं, फिर चाहे क्वेश्चन किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको यहाँ पर सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है। यदि आपका क्वेश्चन ऑन पेपर है तो आपको इसकी फ़ोटो खींचकर आसानी से इसका जवाब पा सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर लाइव कॉल का फीचर भी मिल जाता है। लाइव कॉल का फीचर इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पर टाइप कीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप अपना क्वेश्चन यहाँ पर आसानी से पूछ पाएंगे। हेलो सर, मैं एक क्वेश्चन का आंसर पूछना चाहता हूँ। जी, बेग का SI मात्रक क्या होता है सर? बेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाकर आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, तो फटाफट डाउनलोड कीजिए फिलो ऐप को। अपने क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने बिल्कुल सिक्वेंस से लिखे, अगर आप उनको अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। देखिए, तो एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं, आपको पूछेगा एक घात वाले बहुपद को खाली स्थान दे देगा कहते हैं, तो आप यहाँ पर लिख देंगे रैखिक बहुपद। सत्य सत्य में पूछेगा कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, तो सत्य बोल दीजिए, है ना। ये बोलेंगे दो घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद बोलते हैं, तो आप असत कर देंगे, है ना, क्योंकि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। अब इसका व्यापक रूप मानक रूप पूछ सकता है, हमेशा ऑब्जेक्ट सही जोड़ी में तो पूछा ही जाता है, अगर आप प्रीवियस पेपर उठाएंगे तो यही पूछेगा ये सही जोड़ी में, तो ये होता है AX+B। अब स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं, यहाँ पर AX+B = 0 कर देते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये समीकरण है, व्यापक समीकरण है, रैखिक समीकरण है ना, ये बहुपद में 0 नहीं लगती जबकि समीकरण में इक्वल में 0 लग जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अधिकतर एक स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं कि यहाँ पर आप कर देंगे ये कर देते हैं कि जो एक चर वाला रैखिक समीकरण पूछता है तो क्या कर देते हैं AX+B / C = 0। तो स्टूडेंट ये एक चर वाला तो है, लेकिन इसमें देखिए एक चर वाला क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक चर दो चर, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण तो है, लेकिन क्या ये एक चर वाला है, नहीं है, दो चर वाला, अगर 0 हटा देंगे दो चर वाला रैखिक बहुपद हो जाएगा, है ना। अगर आपसे दो चर वाला रैखिक बहुपद बोलेगा तो क्या करेंगे AX+B / C, ओके, एक चर वाला, तो ये अधिकतर यही पूछा जाता है, तो इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए। एग्जांपल ये आपको लिख सकते हैं आपने अकॉर्डिंग, ओके। दूसरा यहाँ से पूछ सकता है आपका दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस रहेगी, है ना, व्यापक रूप या मानक रूप इसका ये होता है, और इस एग्जाम्पल आपको ये कर लेना है, ओके।
चलिए इसके बाद तीन घात वाले बहुपद, तो यहाँ पर तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। व्यापक रूप यानी मानक रूप ये होता है, इसको अच्छी तरीके से करिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं त्रिघात बहुपद का, है ना। और इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 5x³ + 4x² + x-√2। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से लिख देना। ओके देखिए, इतने में आपको मैं कह रहा हूँ, अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो लगभग लगभग आपके यहाँ से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। या तो आपसे एग्जाम्पल पूछेगा रैखिक बहुपद का, या आपको मानक रूप पूछेगा, या फिर यही दे देगा कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, या फिर ये पूछेगा एक वाक्य में रैखिक बहुपद की डेफिनेशन लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद की पूछेगा तो दो घात वाले बहुपद को रैखिक द्विघात बहुपद कहते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद कहलाएगा, ऐसे लिखना है, ठीक है। इससे क्या आपको बिल्कुल फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, ये आपसे 100% पूछा ही जाता है, यहाँ से एक नंबर का पक्के में पूछा जाता है, तो अच्छी तरीके से पढ़िएगा। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है स्टूडेंट। क्या पूछता है कि आपको पूछेगा कि रैखिक बहुपद के अधिकतम कितने शून्य होते हैं, तो एक करेंगे। वैसे ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता, सबसे ज़्यादा ये 100% हर एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यों की संख्या कितनी है, 2 होती है, है ना। द्विघात बहुपद क्या, मैंने यहाँ पर मानक समीकरण लिखा हुआ, इसमें 2 शून्य होते हैं, पहला एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है, तो 1, 2, तो कितने होंगे, 2, अधिकतम 2 होंगे, है ना। और ये पूछ सकता है त्रिघात बहुपद में अधिकतम शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप कितनी करेंगे, 3, ओके, कितने कर देंगे, 3 होती है ना। इस प्रकार से ये अच्छी तरीके से पढ़कर जाना स्टूडेंट, ओके। अब यहाँ से ये भी पूछने वाले क्वेश्चन है कि जब ये आपका जो मानक समीकरण है, व्यापक द्विघात समीकरण का जो मानक है, ये आप देख पा रहे हैं क्या है, जैसे कि आप देख पाएंगे ये है, ठीक है। यहाँ पर ax² + bx + c, यहाँ पर मैंने समीकरण लिखा तभी 0 लगाया, अगर बहुपद लिखता तो 0 नहीं लगाता, ये ध्यान में रखना स्टूडेंट, इसमें गलती कर देते हैं और आपके बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, तो एक एक अंक आपके लिए बहुत ही मायने रखता है, छोटी छोटी गलतियों से बचें, ओके। अब यहाँ से पूछेगा शून्यकों का योगफल आपसे पूछेगा, तो अल्फा प्लस बीटा है ना, एक अल्फा है यहाँ पर, एक बीटा है, तो इनको योगफल यानी जोड़ देंगे तो क्या होता है, -b/a, यानी कि ये आपका एक्स का गुणांक है, माइनस इसमें चिन्ह लगा देंगे, और जो आपका x² का गुणांक है उसको अपॉन में कर देंगे, तो वह शून्यकों का योगफल बन जाएगा। सीधे डायरेक्ट पूछता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a आपको ऑप्शन में मिलेगा, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, है ना। शून्यकों का योगफल क्वेश्चन पूछेगा, एक ऑप्शन ये रहेगा, एक ऑप्शन ये रहेगा, 3-4 आपको गलत दिए रहेंगे, d/a कर देंगे, a/b कर देंगे ना, तो आपको इस पर टिक कर देना, ओके। चलिए अब व्यापक त्रिघात समीकरण के भी कुछ होते हैं, तो ये भी आपको पूछ लिए। वैसे इसमें से देखिए, मैंने आपको जो बता दिया ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप, इसके क्या 3 घात हैं, तो 3 मूल होंगे, पहला अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, है ना। तो ये इसमें से अधिकतर ये वाला पूछा जाता है, लेकिन हमें बिल्कुल भी डिले वैसे नहीं लेना हल्के में, क्योंकि बोर्ड पेपर है आपके क्वार्टरली एग्जाम को, या बोर्ड पेपर लेकर चलिए, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो ये आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है, बिल्कुल योगफल करना है तो ये होगा, है ना। अब इनके इनटू का योगफल करना है तो c/a होगा, और अगर इनटू करना है तो -d/a, ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से कर लेना है। और यहाँ पर कुछ नोट देने वाली बात है, ये पूछ सकते हैं आपसे कि एक द्विघात बहुपद ये है, ओके, बहुपद है, इसलिए मैंने 0 नहीं लगाया, ax² + bx + c कर लेना, ठीक है, c भूल गया, जहाँ abc वास्तविक संख्या है। तो अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जो द्विघात ax² + bx + c, ये चलिए अच्छे से लिख देते हैं इसको, क्या है आपका जो द्विघात है, क्या है, ax² + bx + c, ये समीकरण कब होगा, इसकी आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। तो ये तभी होगा जब a ≠ 0 होगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इस प्रकार से पूछ सकता है कि इसकी आवश्यक प्रतिबंध क्या है, तो जब आपको ऑप्शन में दे रहेगा a ≠ 0, a ≠ 0, है ना, b ≠ 0, c ≠ 0, तो आपको क्या कर लेना, ये वाला टिक कर देना, ओके। चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट, मैं एक बात बता देता हूँ यहाँ पर, अगर आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि जैसे मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था ना, प्रश्न चैप्टर 2, तो यहाँ पर आपको जो चैप्टर 2.1 उसमें क्या ग्राफ पूछे हैं, तो उसमें 101% एक आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो मैं अभी बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से पढ़ जाइए। आप अगर 2.1 को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो उसी में से आपको एक ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा, ओके स्टूडेंट। चलिए इसका देख लेते हैं, एक बहुपद आपको दिया है px की शून्य, यहाँ पर मैंने जबकि दिया हुआ है, फिर भी आप
एक्सरसाइज जो आपकी प्रश्न वाली है 2.1 उसको कर कर जाएँ तो आप अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और डायरेक्टली उसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बहुपद पी एक्स की शून्य उन बिंदुओं को एक्स निर्देशांक होते हैं जहाँ y बराबर पी एक्स को ग्राफ एक्स अक्ष को प्रदर्शित करता है। ओके, ये आपको ऐसे ही पूछा जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट। अब आपका अध्याय 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ओके, ये अध्याय 3 है, इसमें हमेशा पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अगर आपका अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है तो मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा जो कि आपकी पूछे ही पूछे जाते हैं इस चैप्टर है ना क्वार्टरली एग्जाम के लिए, लेकिन आपका रिस्पॉन्स सही आना चाहिए। ओके, और देखिए ये आपका अध्याय जो कि है इस प्रकार से आपको ये क्या ये दो चर वाले हैं, तो देखिए एक चार और दो चार, तो ये दो चार वाला एक रैखिक समीकरण घात एक है, इसमें भी घात है, इसमें भी एक घात है, तो रैखिक समीकरण है। अब क्या दो चार वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है जोड़ा, तो एक ये पूरा जोड़ा है। ओके, तो इससे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये पूछेगा कि एक रैखिक समीकरण को हल किस प्रकार किया जा सकता है। ऑप्शन देगा ग्राफी भी दिए है ना, और दूसरा और कुछ भी दे सकता है, और दूसरा आपको इसी में ऑप्शन बन सकता है बीजगणित विधि है, और यहाँ पर कुछ भी दे देगा। तो आप अगर ये दिया तो ग्राफी विधि करेंगे, यहाँ पर बीजगणित विधि कर देंगे। ओके, यहाँ पर एक बात में पूछ सकता है एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने कितनी विधि हैं, तो आप उत्तर लिखेंगे ग्राफी विधि और बीजगणित विधि। ओके, चलिए यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो इतना आपको पोर्शन दिख रहा है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये पोर्शन इसमें से आपको एक बोर्ड परीक्षा में साथ ही साथ क्वार्टरली एग्जाम में तीनों के तीनों मिलते हैं। आप सही जोड़ी देखेंगे 2019 की जो आपके प्रीवियस पेपर है क्वार्टरली एग्जाम का, तो यही देखने को मिला। बस आपको क्वेश्चन भटकाने के लिए एग्जामिनर अलग कैसे पूछ सकता है, देखिए मैं बता देता हूँ। देखिए ये पूछेगा अगर आपको ये स्थिति दी हुई है कि A1 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है ना, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो आपसे पूछेगा कि जो रेखाएं किस प्रकार होंगी, तो क्या रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, एक दूसरे को काट रही हैं यहाँ पर, तो ये क्या प्रतिच्छेदी हैं, तो रेखाएं कैसी होंगी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं यानी प्रतिच्छेदी होंगी, तो यहाँ पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। आपको बिंदु दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, देखो ये बिंदु है इस पर प्रतिच्छेद कर रही है ना। और ये पूछ सकता है कि रैखिक समीकरण का हल कैसा होगा, अब हल पूछेगा तो क्या करेंगे अद्वितीय हल होगा है ना, अद्वितीय हल, इससे चार क्वेश्चन बनेंगे आपके। और अगर पूछे रैखिक समीकरण युग्म का युग्म कैसा होगा, हल देखिए हल कैसा होगा आदित्य, रेखाएं कैसी होंगी प्रतिच्छेदी, और समीकरण कैसा होगा ये कैसा होगा संगत होगा, रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा संगत होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना संगत कर लेना। इस प्रकार से आपको इसी में से आपकी पूछने वाले जितने भी हैं तो यहाँ से मैंने कवर करवा दिए हैं। इसी प्रकार ये है कि जब A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो रेखाएं कैसी होती हैं समांतर होती हैं, मतलब कि ये जा रही एक रेखा ये है मान लीजिए A है और ये रेखा ये, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं ठीक है। तो देखिए एक रेखा आपकी ये है A और एक रेखा आपकी B है, तो ये क्या समांतर जा रही हैं ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि जब ये आपको ये स्थिति दी होगी तो पूछेगा रेखाएं कैसी होंगी, तो आप लिखेंगे आंसर में खटक से समांतर। जब आपको युग्म में पूछेगा तो कैसे आप लिखेंगे कोई हल नहीं होगा है ना, इस रेखीय समीकरण का हल पूछेगा तो कोई हल नहीं, क्या कोई हल नहीं होगा ध्यान रखना है ना। और अगर समीकरण युग्म रेखीय समीकरण कैसा होगा तो ये क्या होगा असंगत होगा ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्लियर होना चाहिए। चलिए 15वां देख लेते हैं ठीक है। A1 ये सीरियल क्रमांक मैंने ढंग से लिखे नहीं है, बस आपको पढ़ना चाहिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ठीक है। जब तीनों बराबर कर देगा तो रेखा कैसी होंगी संपाती, मतलब ये ए रेखा है ठीक है, इसी पर हम क्या कर देते हैं दूसरी रेखा संपाती, मतलब इसी पर जा रही है ना ये आपकी बी रेखा, तो एक ही के ऊपर दोनों रेखाएं जा रही हैं तो वो संपाती होती हैं। तो रेखाएं पूछेगा जब ये आपको स्थिति देगा तो रेखाएं संपाती होंगी। रैखिक समीकरण एकदम कैसा होगा, इसकी जो हल होंगी वो कैसा अंततः अनेक हल होंगे है ना, अंततः अनेक हल, तथा रैखिक समीकरण एकदम कैसा होगा आश्रित संगत होगा। ओके, इस प्रकार से यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। चलिए अब इसके बाद हम चैप्टर 4 देख लेते हैं स्टूडेंट। अध्याय 4 है जैसे कि द्विघात समीकरण, और आपको बताएं जो क्वार्टरली एग्जाम है उसी की सिलेबस के हिसाब से मैं अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये आपका पार्ट 1 है, इतना तो आपको ध्यान होगा ही, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। पार्ट 2 अगर आपको चाहिए तो मैंने पहले ही बोल दिया, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई मुझे चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जितना से जितना ज़्यादा तो उतना ही हमें भी बढ़िया लगेगा, और आपके लिए उतने ही जल्दी आपको पार्ट 2 लेकर आ जाएंगे। देखिए इसमें क्या बन सकता है, ये व्यापक रूप है, ये हमेशा पूछा जाता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये होता है। फिर यहाँ से ये पूछ सकता है कि श्री का सूत्र क्या होता है श्री धराचार विधि है ना, तो आपको ये लिख देना -b + -√b² - 4ac/2a। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एक वाक्य में ये पूछा जाता है कि श्री धराचार सूत्र लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे श्री धराचार सूत्र ये लिख देंगे, क्या आपको दिख रहा है ये आप श्री धराचार सूत्र लिख देंगे। पर इसके बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको यहां पर जो दिख रहा है क्या दिख रहा है, ये
कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यहाँ पर डी है, जिसे हम डिस्क्रीमेंट यानी विविक्तर बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत बार पूछा गया कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या है, तो ये क्या एक विविक्तर है ना, विविक्तर है, विविक्तर, तो यहाँ पर आप विविक्तर लिख देंगे। अब इसके कुछ ये डिपेंड करता है स्थिति पर, अगर ये वैल्यू जीरो हो जाती है, जीरो के बराबर, तो क्या होता है, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव में होती है जीरो से, तो क्या होगा, ग्रेटर देन होगी तो क्या होगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखे हैं, और इसमें से हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, देखिए क्या है, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो होता है तो दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, है ना, या ऐसे लिख सकता है डी बराबर जीरो, ओके। तो क्या दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, ठीक है, ध्यान रखना है, यही पूछा गया डायरेक्ट आपको, यही पूछेगा, ठीक है। दूसरा है कि बी स्क्वायर जब ग्रेटर देन यानी कि जीरो, इसकी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये आपको ऐसे नहीं पूछेगा, देखिए मैं बताऊं, देखिए ऑप्शन आपको क्वेश्चन ऐसे दे रहेगा, मान लीजिए कि ये मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री दिया है, ठीक है। अब इससे आपको ऑप्शन दे देगा नीचे कि दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, है ना, दूसरा दे देगा दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, तीसरा दे देगा कोई वास्तविक मूल होंगे ये वाला, चौथा दे देगा कोई नहीं, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे, मैं आपको तो मैंने ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट बता दिया, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, इसका डी निकालेंगे, डी क्या होता है, बी स्क्वायर, है ना, दो का स्क्वायर, तो दो दूनी चार माइनस फोर, ए कितना एक है, सी कितना है तीन, है ना, तो चार माइनस चार तिया बारह, तो क्या नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव में क्या होते हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, तो आप घटक से ऑप्शन थ्री करेक्ट कर देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है आपका, बस को मां देता है ना, तो इस प्रकार से आप ये चार अध्याय चार तक मैंने यहाँ पर कंप्लीट बताए हैं। स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इस चैनल पर आपको ट्रस्टेड वीडियो अपलोड कराई जाती हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। अगर आप और सब्जेक्ट चाहते हैं तो आपकी राय दें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपके प्रीवियस ईयर के आपने पेपर डाउनलोड नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, ओके, धन्यवाद।